सिद्धिविनायक कन्या भ्रूण हत्या स्टिंग ब्लैकमेलिंग मामले में तथाकथित पत्रकार ध्रुव शर्मा और अजय आहूजा पद 2000 का नाम घोषित। शहर के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक अस्पताल का बीते माह कन्या भ्रूण हत्या की डीलिंग को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था। मामले को लेकर सिद्धिविनायक अस्पताल की चिकित्सीय गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। इसके कुछ समय बाद प्रशासन से सिद्धिविनायक अस्पताल को खोलने की अनुमति दे दी। आज से एक माह पहले सिद्धिविनायक अस्पताल में कुछ लोगों ने भ्रूण हत्या की डीलिंग को लेकर एक वीडियो बनाया था। इस कार्रवाई में शहर के साथ अन्य क्षेत्र के तथाकथित पत्रकार शामिल थे। इन लोगों ने वीडियो बनाकर संचालक को ब्लैकमेल करना चाहा। मामले को लेकर अस्पताल के संचालक ने कोतवाली में आवेदन दिया, लेकिन आवेदन को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन चेता और मामले में कार्रवाई की। वहीं पुलिस ने ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें तथाकथित पत्रकार ध्रुव शर्मा, भोपाल के अजय आहूजा जो कि फरार चल रहे हैं, शिवपुरी SP ने 2000 का नाम घोषित किया है। केस था इसमें कि यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके संबंध में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया था तो उसमें ये तथ्य आया था कि कुछ लोग जो बाहर के थे, मध्य प्रदेश के बाहर के, उन लोगों ने एक ग्रुप बना के उसमें दो लड़के दो लड़कियाँ थे और यहाँ पे आके एक स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद में ब्लैकमेलिंग कर रहे थे वो, और उसके लिए ही वो यहाँ पर आए थे झांसी रुके हुए। उनसे पूछताछ करने पर यहाँ पर दो लोगों के लिंक उनसे आए, उनके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं। पर यार एक यहाँ पर ध्रुव शर्मा है पत्रकार, उन पर 2000 रुपये का नाम घोषित किया गिरफ्तारी का सूचना देने के लिए, और एक अजय आहूजा जो यहाँ पे मध्य प्रदेश के में इनके जो एक लिंक चलाते थे ये, उसके वो प्रमुख थे, मुखिया थे, इन दोनों पे 2000 के नाम घोषित।